हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शुभम, आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ होंडा सीवी साइन का साकअप कैसे बनाया जाता है, साकअप सील कैसे डाली जाती है, साकअप ऑयल कितना डालना है, साकअप राइट कैसे चेंज करी जाती है। वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये गाइस अपनी होंडा की साकअप सील, साकअप सील डालना अपने को, साकअप की बॉटल अपनी ऑयल की 350 ml की आती, कितना डालना ये भी बताता हूँ मैं उसमें। और ये साकअप राड, अपने को साकअप राड भी चेंज करना है अपने साकअप में। चलिए, और ये अपना साकअप जी, चलिए इसको खोल लेते हैं। पहले पानी इसका नट खोलना है 24-27 के पानी से, इस तरीके से कुछ देखिए खोल लिया अपन ने नट, ये खुल गया अपना नट। पहले अपने को पाइप निकालना पड़ता है साकअप, ये बासर और इसकी स्प्रिंग, ये तीनों निकालना पड़ती हैं। निकाल कर इस तरीके से पहले आयल निकाल लेते हैं अपन। चलिए जी, आयल निकाल ली अपन ने जी, इस तरीके से कुछ आयल निकाल लेते हैं अपन। निकल गया अपना आयल, ये देखिए पूरा निकाल लिया अपन आयल। इस तरीके से साकअप राइड होती है, सभी के पास होती है, वैसे मैकेनिक के पास। ये देखिए इस तरीके से फंसाना, पहले लगाना मतलब कि पहले अपने को हथौड़ी से ठोक लेना है इसको, हथौड़ी हथौड़ा कुछ से भी चल जाएगा। ये देखिए ये छेगी लंकी लगती है, इसमें छेगी लंकी लगाकर अपने को इस तरीके से खोलना है। टामी हो, पाइप हो, किसी चीज़ से भी खोल सकते हैं आप लोग, जिसके बाद आपके पास जो अवेलेबल हो। ये देखिए इस तरीके से खुल गया सागा अपना नट, देखिए खोल लिया। इसको अलग कर लेते हैं अपन जल्दी से, देखिए अलग हो गया अपना सागा। देखो अब इसकी पहले लाख उचकाना है, लाख निकालना है। साकअप सील के ऊपर लगी रही थी एक छोटी सी लाख, पतली तार जैसी, देखिए कुछ इस तरीके से निकलती है पेचकस से माइनस। निकाल ली अपन ने लाख, लाख के बाद ये साकअप सील उचकाना, ये देखिए भाई इसका बाटल का ध्यान रखना पड़ता है, बाटल कभी कभी चटक जाती है अगर अपन इस तरीके से ज़्यादा तार लगाते हैं। ये देखिए इस तरीके से आराम से निकालना, तो बाटल को नुकसान ना हो और अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना पूरा आयल को। ये देखिए बार बार आयल को अपने साफ़ करते जाना, क्योंकि बारी बारी धुल लेती तो आयल सील में दिक्कत जाती है, तो काट देती है आयल सील। ये देखिए आयल सील अपनी साकअप की ओरिजिनल, इसमें तीन चीज़ें आती हैं, एक लाख आएगी, एक साकअप सील आएगी और साकअप का कवर, आयल सील का कवर। ये देखिए इस तरीके का कुछ साकअप सील उठाना। आमतौर पर शोरूम हुए तो कूलर इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग जानते तो होंगे वैसे भी ज़्यादा, देखिए पुरानी साकअप सील लीजिए, पहले साकअप सील को अच्छी तरीके से साफ कर लिए आयल वगैरह। ये देखिए उसके ऊपर रख के ठोकना आपने धीरे धीरे, ये भी देखना है कि अंदर से डैमेज ना हो, साकअप सील कटे ना, टूटे ना। तो पतली सी भी कटती है तो साकअप लीक करता है जल्दी से, देखिए इस तरीके से बैठ गई पूरी साकअप सील। नया लाख लगा देते हैं अपन इसमें, देखिए नया लाख उठा दिए अपन ने। अपने को साकअप राट चेंज करना है तो अपने को पहले इसका डिस्टेंस हटाना पड़ता है, डिस्टेंस हटा लिया मैंने अपन, साकअप राट साफ कर साकअप राट निकाल लेते हैं। राड निकाल दिए अपन ने, और जिसमें पंप रहता है, पंप स्प्रिंग साकअप की, देखिए अच्छे से साफ कर लेना, आयल ना बचे इसमें कहीं। ये अपनी साकअप राड नई अपन डालने वाले साकअप में, ये देखिए ये रही अपनी साकअप राड। पहले अपने को इसके नाप पे देखना पड़ता है कि बड़ी छोटी हो जाती है, देखिए अभी तो वो अपनी साकअप राड बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। बाई चांस कभी बड़ी हो जाती है तो दिक्कत आती, प्रेशर वगैरह बढ़ा कर रखना पड़ता है, लेकिन लगती नहीं है साकअप राड अपने को, तो बराबर हो तो अच्छा, ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा लिया अपन ने इसमें। मुझे बाटल लगाना है, पहले अपने को ऊपर से बिठाना है, ये देखिए इस तरीके से कुछ ये बैठ गया अपना, और फिर नीचे से बिठाओ तो जल्दी से बैठ जाता है इसमें, क्या नट दिक्कत नहीं आती नट कसने में, एक तो वो जल्दी से बैठ भी आता है। देखिए इस तरीके से नट कर देना अपने जी,
नेट को टाइट कर देते हैं जी। कर दिए अपन नेट टाइट, निकाल लेते अपन राड को, निकल गई राड। पहले अपने को स्प्रे डालना, क्या स्प्रे डालना अपने को इसमें, पहले अपन ने कवर लगा दिए पहले। ये देखिए, ये पहले स्प्रे डाल दिए अपन ने, इसके बाद बासा डलता है इसमें। जी देखिए जरा बासर, पतला सा बासर होता है, छोटा सा, बाई चांस गिर ना जाए तो ध्यान से देखना पड़ता कुछ। ये देखिए बासर लगा दिए अपन ने, अब साफ अप कहीं ये पाइप लगा देते अपन साफ करके अच्छे से। ये देखिए ये पाइप लगा दिए अपन ने कुछ इस तरीके से। अब इसमें क्या अपने को ऑयल डालना है, तो ऑयल अपन कैसे कितना डालेंगे ये बता देता हूँ मैं। देखिए अपन ने मेजर उठा लिया, आपके पास मेजर हो तो ठीक है, ना हो तो फिर साकप की बाटल आती है 20 रुपये की, तो उसमें एक ढक्कन इंजन ऑयल बैठा लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे। ये देखिए इस तरीके से अपने पास मेजर है, मेजर का इस्तेमाल कर लेते हैं अपन, कितना डालना ये भी देखते हैं अपन। ये देखिए ये ऑयल निकाल लिया अपने को, इसमें कम से कम 130-140 ml रखना है ऑयल साकप में, प्रेशर रहे, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती इसमें। अपन ने रखा है इसमें 130 ml। ये देखिए और ऑयल डालना है, ऑयल डालते समय ध्यान रखना कि ऑयल बहा कर डालना, एकदम से नहीं डालना क्योंकि एयर बन जाती है गाड़ी में तो साकअप टाइट होता है, बाद में दच के लेती है गाड़ी ज़्यादा, है ना। आराम से धीरे धीरे बहा कर डालना एकदम धीरे से। देखिए किस तरीके से डालना है, एक किनारे से डालें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये एक किनारे से डाली, ये अपन ने डाल ली पूरा ऑयल। देखिए अब इसका नट लगाना पड़ेगा अपने को जी। देखिए नट कस लेते अपन, अपना साकअप बन के तैयार है। अब इसका प्रेशर चेक कर लेते हैं, प्रेशर चेक कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब यही करना है।